Hi there, welcome to another video and I hope you all are doing well and all you doing great stuff. So I'm really sorry कि मैंने ये वीडियो पे क्लिकबेट किया है. थंबनेल इज नॉट रियल, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट पूरा अलग है और मैं शुरुआत में बता दे रहा हूँ ताकि बाद में जाके आप मुझे गाली ना दें. ओके, बट अगर आपने क्लिक कर दिया है ये वीडियो पे तो देखना यार, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था 2022 का एंड होल लाइफ का, एंड शायद वो मुझे वापस मिलेगा भी या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट वॉज द बेस्ट मोमेंट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू विथ ऑल शेयर विथ यू ऑल क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है और फैमिली से तो बात करनी बनती है ना यार. सो इमोशनली मैं ब्लैकमेल करके आपको यहाँ तक खींच के लाया हूँ वीडियो में, तो आगे तक भी देखना आपकी जिम्मेदारी है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. एक्चुअली हमारे कॉलेज में ना फेस्ट चलता है, तो उसमें बहुत सारे लोग कुछ करते हैं एंड उसमें आया था एक कि म्यूजिक कॉम्पिटिशन है एंड यू हैव टू टेक पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑन दीज ओके पार्ट इन दीज व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस ओके. सो उसमें ये था कि हाँ, बहुत सारे लोग पार्ट ले सकते हैं और मैं एक्चुअली ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करने में भी प्रॉब्लम होती है. वो मेरा फियर है या मेरा शाइनेस है या मेरा बिहेवियर ही ऐसा है, वॉट एवर आप जो समझो. एंड मेरा जो सर्कल है ना वो बहुत ही छोटा है, मैं बहुत लोगों से बात नहीं करता. एंड अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए ना सो मुझे लाइक स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो मैंने तो सोचा था कि नहीं करेंगे यार, भले ही मुझे सिंगिंग आती हो, मुझे गिटार आता हो, बट नहीं करेंगे अपन ये. बट देन मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम अनिकेत है और वो पार्ट लेने वाला था, तो उसके साथ में मैंने जोश जोश में पार्ट ले लिया. और उस दिन ना मेरे को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि दर्शील यार मत ले क्योंकि तू गा नहीं पाएगा, तेरी बेइज्जती होने वाली है उसके अंदर. और बहुत डर लग रहा था बट फिर भी मैंने पार्ट ले लिया बिकॉज मेरे फैमिली मेंबर्स जो थे वो भी मुझे मोटिवेट करते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे मोटिवेट करते थे. एक्चुअली वो सॉन्ग गाने के लिए मैंने एक महीने तक प्रैक्टिस की थी. सॉन्ग था तुझे कितना चाहने लगे हम और वो मैंने यहाँ पे रखा है. बट दिस वॉज नॉट द बेस्ट पार्ट, द बेस्ट इज येट टू कम. सो उसके बाद ऐसा था कि जो ये कॉम्पिटिशन में जीतेगा उसको आगे बड़ा जो हमारा फेस्ट होने वाला था ना, जो टैलेंट हंट था उसमें गाने को मिलेगा. और मुझे तो लगा ही था कि भाई मैं नहीं जीतने वाला क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज थी, 25-30 एंट्रीज थी, तो और उसमें भी अच्छे अच्छे सिंगर थे, तो मुझे नहीं लगा कि मैं जीतने वाला था. बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉन एंड मेरा थर्ड प्राइज आया. एंड उसके बाद ऐसा था कि हाँ वो गाना ही है जो टैलेंट हंट है ना इवेंट उसके अंदर, तो मैंने एक्चुअली गाया था तुझे कितना चाहने लगे हम और टैलेंट हंट में गाना था दूसरा गाना. एंड जो कंपटीशन थी ना उसके तुरंत बाद, मतलब एक दिन बाद ही शाम को टैलेंट हंट था. सो प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ मेरे पास 12-13 घंटे थे और उसमें भी ये हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, दैवत नाम है उसका, तो उसको लगा कि दर्शील ना अभी थर्ड प्राइज आया है और अभी उसे पार्टी ले लेते हैं, अगर उसे अभी पार्टी नहीं ली ना तो वो कभी पार्टी नहीं देगा. तो उसे ना उस दिन फोर्स किया कि नहीं भाई पार्टी देनी है तो देनी है, आज तू आया है थर्ड तो तुझे देनी है. एंड लाइक मैंने सोचा भाई कि छाछ पीऊंगा मैं और मैं बहुत तेल वाला खाऊंगा, मेरा गला बहुत खराब हो जाएगा, तो मैं दूसरे दिन गा नहीं पाऊंगा. बट मैंने सोचा कि चल दर्शील कोई नहीं दे दे, तो एक्साइटमेंट में मैंने पार्टी दे दी. एंड दैट नाइट मेरा गला पूरा खराब हो गया और मैं जो सारे नोट्स ले रहा था ना, जो भी हाई नोट था और वो सब, तो मेरा गला बिल्कुल इतना खराब हो गया था कि मैं कुछ गा ही नहीं पा रहा था. बट गला खराब होना इज नॉट द मेन थिंग जिसे मैं अफ्रेड था. द मेन थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ इज दैट कि मेरे पास टाइम कम था एंड जो मैंने तुझे कितना चाहने लगे गाया था ना उसमें जितने लोग थे उससे बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे, मतलब 300-400 लोग आने वाले थे और उसमें मेरे को गाना था और मैं ठहरा इंट्रोवर्ट, सो मेरी तो बहुत फटती है इन सारी चीजों से और मेरे पास टाइम भी कम था, तो मेरा दिमाग ओवरथिंक करने लगा कि नहीं दर्शील पार्ट मत
ले पार्ट मत ले। एंड दूसरे दिन भी मैंने गाना चूज नहीं किया था कि मैं कौन सा गाऊंगा एंड ऑल। और मेरा एक्चुअली ना 4 बजे तक ऐसा ही था कि मैं पार्ट नहीं लेने वाला हूँ, एंड इवेंट था 5:30 बजे। तो मैंने गिव अप कर दिया था कि पार्ट नहीं लेना है, बट मेरा जो फ्रेंड था ना अनिकेत, फिर उसको मैंने बताया कि मैं एक्चुअली पार्ट नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को नहीं जम रहा है यार, मैंने गाना भी तैयार नहीं किया है, मेरा गला खराब है, मैं कुछ भी नहीं गा पा रहा हूँ, एंड अगर मैं जाऊँगा वापस से बेइज्जती हो जाएगी, एंड एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ यार, मेरे को एज एडजस्ट नहीं होता। तो फिर वो रूम पे आया और वो बोला कि नहीं दर्शील यार, एक चांस मिला है तो गा ले, फिर कभी चांस नहीं मिलेगा, और सॉन्ग तुझे नहीं आता ना तो मैं चूज करके देता हूँ तुझे, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम करवाते हैं तेरे को, तू तुझे गाना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर हमने बहुत सारे सॉन्ग्स ट्राई किए एंड फिर फाइनली हमने चूज किया कौन सा था यार सॉन्ग, मैं एक्चुअली भूल गया, हवाएं मुझको बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे, अब किसे है तेरे इन होठों, दिल को करा रहा है। सो हमने चूज किया कि ये सॉन्ग में ना उतने हाई नोट्स नहीं आते तो वो सॉन्ग गा लेते हैं। एंड फिर जो कंपटीशन था वो था 5:30 बजे, मैंने मेरा सॉन्ग आधे घंटे पहले प्रिपेयर किया एंड उसके लिरिक्स याद रखे एंड जो भी सारा था ना कि यहाँ पे ये बोलना है यहाँ पे ये गाना है वो सब मैंने प्रिपेयर किया। फिर हम चले गए इवेंट के अंदर एंड फिर मेरा फाइनली टर्न आ गया कि आओ दर्शील भाई आप भी गा लो, आपके सुर दिखाओ हमें, एंड मैं गया तो मेरा कोई और ही गाना बज रहा था यार, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया था ना वो और ही बजा दिया उन्होंने, तो एक गड़बड़ हो गया वो, तो वो मैं वापस फिर स्टेज पे जाके वापस से वापस आया कि नहीं ये नहीं बजा रहा था, मेरा इंस्ट्रूमेंटल अलग है, तो उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ी देर बाद जाओगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं स्टेज पे गया एंड एक्चुअली ना मैंने कभी लाइव नहीं गाया है, बट मेरे को ऐसे नॉलेज है कि जब भी आप लाइव गाते हो ना तो आपके कान में इन ईयर्स होता है शायद, जिसकी वजह से ना आपको आपका वॉइस सुनाई दे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल है ना और जो बाहर का वॉइस है ऑडियंस का वो इतना ज्यादा होता है कि आपको आपकी आवाज ही नहीं सुनाई देती, एंड अगर आप अपनी आवाज नहीं सुनते ना तो आपको पता नहीं चलता कि क्या गाना है, कहाँ पे क्या कैसे सुर लगाने हैं, और हमारी कॉलेज थोड़ी छोटी मोटी है तो वो इतना इनियर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सॉरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी मैंने कॉलेज की, मेरी कॉलेज ना थोड़ी नई लाए थे और उसमें सिर्फ माइक था एंड स्पीकर थे, तो मैंने सोचा कि यार अरे कोई नहीं मेरे को सुनाई देगा, बट जैसे ही मेरा इंस्ट्रूमेंटल बजा, जैसे ही मैंने फर्स्ट वर्ड बोला सॉन्ग का, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनाई दे रहा था जो इतना लाउड था कि मुझे मेरा आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था, मैं क्या गा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड उस वक्त मैंने सोचा कि लग गए यार दर्शील तेरे, एक तो फर्स्ट टाइम है तेरा ऐसे लाइव परफॉर्मेंस सुने, जिंदगी में कभी ऐसे नहीं गाया, एंड इसमें भी अगर ऐसा होगा बेइज्जती होगी, एंड दैट टाइम आई सेड व्हाट द फक दिस इन माय माइंड यार, एक तो फर्स्ट परफॉर्मेंस है एंड ऊपर से उसमें ऐसा हो रहा है कि मुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है कि मैं क्या गा रहा हूँ, तो मैं टेंशन में आ गया उसी वक्त, एंड उस वक्त मैंने थोड़ी मिस्टेक भी कर दी गाने में, बट जैसे तैसे कर दिया मैंने संभाल लिया, बट द बेस्ट पार्ट जो था वो था कि एज एन इंट्रोवर्ट जो ना लोगों से बात करने में उसको बहुत डिफिकल्टी होती है, वो कभी आज से पहले स्टेज पे नहीं गया, वो स्टेज पे गया एंड उसने लोगों को ही मेड द पीपल टू टर्न ऑन देयर फोन एंड टर्न ऑन द फ्लैश लाइट एंड वेव लाइक दिस, एंड मैं ऐसे गा रहा था ना और सामने ऐसे फ्लैश लाइट्स आ रहे थे ना सबके, वो नज़ारा एक्चुअली बहुत खूबसूरत था, सरियल था, एंड उस वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये एक्चुअली मेरा पहला मोमेंट था, एंड हमेशा ना मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ कि हाँ मेरे को MBBS और MD और वो सब तो करना है, वो एक्चुअली मेरा प्रोफेशन है, बट दिस इज माई पैशन एंड मैं अपने पैशन में भी कुछ करना चाहता हूँ। हाँ आप लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है बट मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि लाइक आई डिड दिस, एंड मैंने इसका वीडियो भी इंस्टाग्राम पे शेयर किया है और इसकी फोटोज भी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, तो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन नीचे है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। एंड बस यही था मेरा बेस्ट मोमेंट ऑफ 2022
एंड बेस्ट था, लास्ट था, फर्स्ट था, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौके कभी आएंगे. तो बस एंड या थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, मेरा मोमेंट जीने के लिए साथ में. एंड बस यही था वीडियो आज का. एंड आजकल तुझ पे प्यार आया, परी परी बार.